जैसलमेर शहर में बीते लंबे समय से फरार युवक युवती को जैसलमेर महिला थाना ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बता दें, जैसलमेर शहर में एक नाबालिग बालिका के अपहरण को लेकर उसके परिजनों द्वारा 12 मई को महिला थाना में पेश होकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि उनकी बच्ची का अपहरण हो गया है, जिस पर जैसलमेर पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित की और जाँच पड़ताल शुरू की। वहीं काफी मशक्कत के बाद जैसलमेर पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली। इस संबंध में जैसलमेर महिला थाना के थाना अधिकारी तेज करण ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिन तक हमने लड़का व लड़की की जगह बदली, जिससे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार साइबर सेल की मदद से हमने दोनों को पकड़कर महिला थाने लाया है, जहाँ से उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इसमें महिला थाना जैसलमेर में दिनांक 12 मई 2022 को पीड़िता के पिता कपूर भट्टा निवासी ने आके दर्ज करवाया कि मेरी पुत्री को एक लड़का जो है वो यहाँ से ले अपने साथ ले गया है और मेरी पुत्री अभी नाबालिग है। जिसके बाद में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसपी साहब कार्यालय स्थित डीसीआरपी की मदद ली और एसपी साहब ने विशेष रुचि लेकर इसमें अलग अलग टीमों का तुरंत गठन किया, जिसमें मैं था, प्रेमदान जी सी एस साहब थे, फलसूर एस एच ओ साहब थे, इनके साथ में डीएसटी टीम के एएसआई भी भेजे, साथ में कुछ हवलदार और काफ़ी संख्या में कॉन्स्टेबल की अलग अलग टीमें गठन किया। उस अनुसंधान के दौरान मैंने बाड़मेर, सांचौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर में जगह जगह पर इनकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और कई जगह हमने मुखबिर आसूचना तंत्र मामूल किए, जिसके बाद में कल हमें सूचना मिली मुखबिर के द्वारा, जिस पर हमने जोधपुर से